जो नहीं चाहता था कि तुम महादेव को लंका ले जाओ। ये शिवलिंग लेकर कैलाश से यहां तक आया तो अपने पुत्र द्वारा छल करके मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाई आपने। नहीं है कि तुम्हारे आराध्य बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। तुम्हारे रुदन से तीनों लोग प्रभावित हुए हैं दशानन, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक नाम और देता हूं। रावण अपनी शक्तियां अर्जित कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा, वो भी इस प्रकार कि कोई भी देव या महादेव इसे क्षति नहीं पहुंचा सके। समय की गति तीव्र,
हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभाने हेतु तैयार रहना होगा। गणेश, समय आ गया है गणेश, जब तुम्हें विघ्नों का नाश कर मंगल कार्यों की पूर्ति करना। समय आ गया है गणेश, भविष्य में होने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन में भूमिका निभाने का। भ्राता, शांत शांत हो जाइए। ये हमारे पितामह ऋषि पुलत्स की आवाज प्रतीत हो रही है। प्रणाम पितामह। ये क्या है? स्वर्ण भवन के ध्वंस अवशेष पर मैं एक ऐसे नगर का निर्माण करने जा रहा हूं जो समस्त सृष्टि में राक्षस जाति का शक्ति केंद्र होगा, जिसके नाम मात्र से ही तीनों लोग थर्रा उठेंगे। किंतु ये स्वर्ण भवन तुमने महादेव के लिए निर्मित किया था। मेरे वर्तमान में मेरे अतीत के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि स्थान नहीं होता तो तुम्हें इसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि स्थान नहीं होता तो तुम महादेव से क्रोधित नहीं होते। यदि स्थान नहीं होता तो तुम दशानन ही होते, रावण नहीं। पितामह, इस नगरी के निर्माण हेतु मैं समस्त मनुष्य जाति को अपना दास बना लूंगा। इस कार्य के लिए मुझे अपने वंश की चिंता है। केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा पितामह, कुछ करना भी होगा। किंतु जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हें और इस वंश को नाश की ओर ले जाएगा। नाश, नाश, वह तो समय बताएगा। हाँ, समय तुम्हें अवश्य बताएगा, किंतु मैं उस समय को देख रहा हूं। मुझे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। मत भूलो, इस वरदान के अनुसार यदि तुम्हें देवताओं से भय नहीं है तो मनुष्यों और पशुओं से सुरक्षा भी नहीं। मनुष्यों का भय नहीं है मुझे, मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए आप मनुष्यों को तो छोड़ ही दें। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, गंधर्व, यक्ष, भूत पिशाच
असुर और राक्षस किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तथा मनुष्यों को दास बनाकर तुम अपने अंत के समीप जा रहे हो। यदि ऐसा है तो मैं मनुष्य जाति के हनन का आरंभ करता हूं, उसके पश्चात देखता हूं किस मनुष्य में इतना सामर्थ्य शेष रहता है कि रावण को चुनौती दे सके। और इस भूमिका को निभाने हेतु तुम्हें और गणेश को ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। गुरु की शरण में, किंतु गुरु की क्या आवश्यकता है पिताजी? जीवन में चार प्रकार के ऋण होते हैं, जिन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पितृ ऋण, माता पिता अपना सारा जीवन अपनी संतान के पालन पोषण हेतु समर्पित कर देते, कष्ट सहते और इस ऋण को चुकाने हेतु संतान को माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है। ब्राह्मण, उस ईश्वर के प्रति जिसके कारण यह जीवन संभव है और इस ऋण को चुकाने के लिए ईश्वर केवल यही चाह रहा है कि जिस पवित्र रूप में उन्होंने इस आत्मा को जीवन दिया उसी पवित्र स्वरूप में वे उनके पास लौट आए। देवरे, उन सब देवताओं के प्रति जिनके आशीर्वाद से सबके जीवन का भरण पोषण हुआ है, उनका ये ऋण चुकाने है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी संचय न करें और उनमें वितरित कर दें जिन्हें उसकी आवश्यकता हमसे अधिक है। और चौथा ऋण ऋषि अथवा गुरु ऋण, पुत्र इस ऋण को चुकाना तभी संभव है जब गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखकर हम अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा ज्ञान का परिपालन करें। इन चारों ऋणों को उतारने के पश्चात जीवन को ऋण मुक्त करना संभव है। माता पिता और देवताओं का आशीर्वाद तो सभी को प्राप्त होता है, किंतु एक गुरु की शरण ज्ञान अर्जित करने का अवसर जिसे प्राप्त हो उसे अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। मैं गुरु की शरण में अवश्य जाऊंगा, किंतु गणेश, आप दोनों के बिना कैसे रह पाएगा? गणेश, पुत्र, संसार को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कराने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाना अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारा और कार्तिकेय का गुरुकुल में जाकर ज्ञान प्राप्त करना उचित रीति है। यही नहीं पुत्र, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है, तैयार भी होना। भविष्य में मेरे कहने पर तुम किसी की सहायता करोगे और तुम्हारा ये कृत्य संसार में अर्थपूर्ण परिवर्तन का माध्यम बनेगा।
माता की इच्छा व्यक्त कर दी है, क्या तुम इसे पूर्ण कर पाओगे? आपकी और माता की प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा पिताजी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा है। किंतु हमारे गुरु कौन होंगे पिताजी? देवताओं के गुरु बृहस्पति।